तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ कैसे? ये ले। अरे मैंने कहाँ छुआ तुम्हें, तुम्ही ने तो मुझसे हाथ मिलाया। जवान लड़ाता है, ये ले। यार बाहर जाए के लड़ो। ओए पीछे चल। नहीं, मैं डॉक्टर साहब का खास आदमी हूँ। होगा खास, चल हट पीछे। हम क्या तुझे कातर दिखते हैं जो सुबह सुबह बिस्तर से उठ करके यहाँ पर मुंह उठा के चले आए हैं, मुंह भी नहीं धोया है? पागल दिखते हैं तुझे, चल हट यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाता, तुम्हें जो करना हो कर लो। ऐसे कैसे नहीं हटेगा तू, तुझे हम हटा के रहेंगे। अरे फेंको फेंको, उठा के फेंको साले को, लाइन से नहीं आता है। आओ आओ, देखो मुझे बाहर। क्यों नहीं आ रहे? मुझे हल्के में ले रहे थे ससुरे, अकेला समझ रहे थे मुझे। अरे दम है तो हाथ लगा के दिखाओ, आओ। अरे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। अरे ये तो आपका बड़प्पन है, बड़प्पन। आप महान हो साहब, महान। आप इस एरिया के डॉन है क्या? नहीं। फिर लोग आपसे डर क्यों रहे? अच्छा, आप पुलिस में बड़े अधिकारी हैं लगता है। नहीं भैया। तो फिर आप पहलवान होंगे या फिर बॉक्सर होंगे हैं? अरे नहीं भैया। तो फिर लोग आपसे डर क्यों रहे हैं? वो मैं कोरोना पॉजिटिव निकला हूँ, इसलिए लोग मुझसे डर रहे हैं। क्या? अरे पहले क्यों नहीं बताया तूने? मैंने तुझे अभी गले लगाया है। अरे भैया हमारे साथ तुम कुछ भी करो, गले लगाओ, झापड़ मारो, लाते मारो, कुछ भी करो, इससे मुझे क्या फर्क। मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, इसीलिए लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं। अबे तेरे सास के संतरे काटू, मुझे लगा मेरी हेल्प करने कोई गरीबों का मसीहा आया है, पर तूने तो मेरी लंका ही लगा दी। अरे भैया तुम सबसे दूर जाके बैठो, तुमने एक संक्रमित आदमी को गले लगाया है, समझ रहे हो? अरे संक्रमित आदमी को गले नहीं लगाया है, गले लगाया है इसने भयंकर बीमारी कोरोना को। चल बे, सबसे दूर जाकर खड़ा हो, वरना 112 पर कॉल कर दूंगा। अरे लड़िया तनिक हमसे दूर जाके खड़े हुई जाओ, नहीं तो क्या करेगा। रे बुड्ढे, ये जो डॉक्टर वालों इंजेक्शन लगो है ना, ये तुम्हारे हम पिछवाड़े घुसेड़ के ही बता रहे हैं। अरे शांति व्यवस्था बनाए रखो, डॉक्टर साहब को गुस्सा आ रहा है, अंदर आवाज आ रही है। आप लोग क्या बिल्कुल बच्चे हैं? आप लोगों को समझ में नहीं आता किस प्रकार से बैठा जाता है क्लिनिक में, वरना क्या कर लेगा तेरा डॉक्टर साहब है? ज्यादा तो कुछ नहीं, बस जो तुम्हें दवाई मिलेगी उसमें एक सल्फास की गोली और डाल देगा। हाँ तो मिलाने दो, मैं तो वैसे भी पॉजिटिव बैठा हूँ, पर डॉक्टर के ऊपर ठीक कर जरूर जाऊंगा। अरे तू पॉजिटिव है, चल बाहर निकल, निकल यहाँ से, कैसे बैठा है तू अंदर? अरे मेरा मतलब है मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव। ठीक है, बैठा रहे फिर, कोई भी शोर मत करे, वरना सही बता रहे सबको बाहर फेंक दूंगा उठा के। साला डांटते डांटते भी कोरोना का नाम ले गया, मनहूस कहीं का। अरे भैया चाइना वालों ने टच फोन बनाया है, टच टीवी बना डाली, और अब तो टच वाली बीमारी भी बना दी। अरे तो उनकी कोई गारंटी नहीं थी, इसकी तो पक्की गारंटी है। 1 साल से ज्यादा हो गया, ससुरा अभी तक गया ही नहीं है। भैया 2 गज की दूरी बनाए रखो, क्योंकि जिसको हो गया कोरोना उसको तो है एक दिन मौत की नींद सोना, फिर पूरी जिंदगी का है रोना। हे भगवान कुछ तो करो ना, जान खा गया ये ससुरा कोरोना। अरे वाह वाह, क्या दोहा बनाया है आपने भाई, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। अरे क्या खाक मजा आ गया, हम लोग जिंदगी मौत के बीच फंसे हुए हैं और तुम मजे ले रहे हो। अरे मिस्टर तमीज से बात करिए मुझसे, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। अच्छा तो कौन है तू बता? मैं पागल खाने का इंचार्ज हूँ, इंचार्ज। अबे तो मैं क्या करूँ, मेरे सर पर चढ़ेगा क्या? अकड़ तो ऐसे दिखा रहा है जैसे खाने का इंचार्ज हो, बाबड़ी पूछ कहीं की। ए, बाबड़ी पूछ किसको बोला तूने? तुझे ले जाकर वहीं भर्ती कर दूंगा, बता रहा हूँ। सब पागल खाने में तुझे पागल कुटिया बना के मारेंगे। तू छू भी नहीं सकता मुझे क्योंकि मैं ब्रूस ली का बहुत बड़ा फैन हूँ। तुझे देखकर लगता है तू इंचार्ज नहीं बल्कि तू खुद उसी पागल खाने का कोई पागल है। देखो तुम अपनी हटपाट कर रहे हो, मैं फिर अपनी मर्यादा भूलने पर विवश हो जाऊंगा। अबे तेरी काहे की मर्यादा, तू खुद पागल खाने की देन है। लो फिर तेरी शान में दो लाइन। लगता है 2-4 साल पहले तेरा भाग्य जगा होगा और तू उसी पागल खाने का दरवाजा तोड़कर भागा होगा। ले मजा। अरे मैंने तो पहले ही बोला था ये आदमी पागल खाने की देन है। पागल है पागल। बड़े ही धक्के हैं दुनिया में, क्या करूँ मैं, कहाँ चली जाऊँ। क्या हुआ, काहे बिलबिलाई रही हो? क्या बताऊँ, पहले मेरी सास थी जान खाने को, अभी ये कोरोना हो गया है, हर वक्त मेरी ही जान खाता रहता है। तो तुम्हारी सास से कोरोना का क्या लेना देना? अरे भैया लेना देना है, ये कोरोना बिल्कुल मेरी सास की तरह व्यवहार करता है। अरे कोरोना क्या तुमसे अपने घुटने की मालिश करवाता है या फिर खाट पर बैठ करके तुमसे पानी मंगवाता है, खाने मंगवाता है, नहीं इसका भी सिस्टम वही है जो मेरी सास का था कि घर से बाहर मत निकलो, हाथों को अच्छी तरह धो और मुंह ढककर रहो। अरे रे 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 पड़ी ही पहुँची भाई, ससुरी लुगाई है काऊ की। और ताऊ तनिक पैर ऊपर करो, बैठने दो मुझे। अरे तू कहीं की बहू है, पगलाई उलाई गई है का? पाय ना फोल्ड कर पाई, हम पाय फैले रांझे हमारे। हाय रे एक बुजुर्ग आदमी परो है मरीज बनके, उसको कटाई टाइम से लेटने नहीं दे रहे हैं जमाने वाले। एक अबला नारी को सीट नहीं दे सकता तू? वह क्या बैठने की जगह है? तुम क्या बस में आई हो जो हम तुम्हारे लिए सीट दे दें? आप इधर खड़ी हो जाइए बहन जी, मैं आपके लिए अभी बैठने का इंतजाम कर दूंगा। भैया जी बहुत ही बहुत धन्यवाद, ऐसी इंसानियत अब कहाँ रह गई है, 2-4 लोगों में ही रह गई है। अरे हाथ मिला लिया इसने, अभी एक संक्रमित आदमी को छू लिया था। क्या तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ कैसे? ये ले। अरे मैंने कहाँ छुआ तुम्हें, तुम्ही ने तो मुझसे हाथ मिलाया। जवान लड़ाता है, ये ले। अरे मरिया आज यार आए बाहर जाए के लड़ो। शराफत का तो जमाना ही नहीं रह गया है, लोगों की मदद करो ऊपर से हाथ उठाते हैं। हाँ तू खुद बहुत शरीफ है, देखने में बिल्कुल चमगादड़ लगता है, ये ले। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब बचाए ले। अरे क्यों बजाए जा रही हो मुझे, मेरी गलती क्या है? तूने मुझे छुआ कैसे और ऊपर से मुझसे बदतमीजी से बात करता है, तेरी इतनी हिम्मत, आज तक किसी मर्द के इतना एटीट्यूड नहीं हुआ जितना एटीट्यूड तू दिखा रहा है मुझे, ये ले।